उबेद शाह ने 7 विकेट लेकर तहलका मचाया। वर्ल्ड कप से पहले टीम पाकिस्तान में दुनिया का नंबर 1 यॉर्कर किंग आया। नसीम शाह के छोटे भाई ने तूफान मचाया। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार उबेद शाह ने किस तरह से मुकाबले में मचाया तहलका, बताएंगे आपको उनके तूफानी गेंदबाजी के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी उबेद शाह को एक खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में अब PSL की शुरुआत होने जा रही है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत अब से कुछ ही घंटों के बाद हमें होते हुए नजर आएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत शनिवार 17 फरवरी से होने जा रही है। इसी के लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, जहां सभी टीमें इस बार खिताब पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि PSL के शुरू होने से पहले सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिरे में पाकिस्तान के घातक तेज गेंदबाज उबेद शाह ने प्रैक्टिस में तहलका मचा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नसीम शाह के दो और भाई उबेद शाह और हुसैन शाह PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL के शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मुकाबले खेल रही है और इसी प्रैक्टिस मुकाबले में उबेद शाह ने 7 विकेट लेकर तहलका मचा दिया है और इस दौरान उन्होंने 4 खिलाड़ियों को तो क्लीन बोल्ड कर दिया है। उबेद शाह ने अपने पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को पेवेलियन की राह दिखाई और दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं आखिरी ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाए और इस दौरान उन्होंने सिर्फ 4 ही रन खर्च किए, यानी कि कुल 7 विकेट उबेद शाह के खाते में रहे और उनके घातक गेंदबाजी का जवाब प्रैक्टिस मुकाबले में विरोधी बल्लेबाजों के पास नहीं था। यानी कहीं न कहीं उबेद शाह अब PSL में भी तहलका मचाते हुए नजर आएंगे। साथ ही इसी साल T20 विश्व कप खेला जाना है। अगर उबेद शाह का शानदार प्रदर्शन जारी रहा तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम पाकिस्तान में चुना जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।